सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। लड़ाकू विमान राफेल के अंबाला एयरबेस में लैंडिंग के बाद हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने मौके का जायजा लिया। आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जब 5 राफेल, जिनका काफ़ी वर्षों से इंतजार था, वो आज अंबाला की धरती पर भारत में लैंड कर गए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें पीछे जिस प्रकार से यहाँ पर पूरी सेना, पुलिस बल, प्रशासन तैनात है। 5 राफेल जो अंबाला में उतारे गए हैं, ये 30,000 फुट पर इन्होंने सुबह ईंधन भरा था। एयर रिफॉल्विंग सिस्टम जिसे कहा जाता है, फ्रांस में बने इन 5 राफेल की तूफानी स्पीड है 5,000 किलोमीटर की यात्रा ये बिना रुके कर सकते हैं। 10 घंटे लगातार उड़ान भर सकते हैं। 1,000 किलो का वजन का कैमरा इसमें लगा हुआ है। 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की इनकी रफ्तार है। 3 तरह की घातक मिसाइल इसमें लगी होती हैं। दुश्मन को के रडार को जाम करने की क्षमता इनमें है। मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में S-4 मिसाइल का भी एग्रीमेंट जो चीन के संबंधों के मद्देनज़र रूस से हुआ था, वो भी जल्दी भारत को अगले वर्ष में मिल सकती हैं। S-4 जो है चीन ने भी खरीदने का एग्रीमेंट किया हुआ है रूस से, उनको एक खेप मिल भी चुकी है, लेकिन फिलहाल उसमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आ गई है क्योंकि जासूसी के आरोप जिस प्रकार से रूस ने लगाए हैं उन पर, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं संशय लग रहा है कि आगे सप्लाई होगी या नहीं होगी। आप देखिए कि मेरे पीछे जिस प्रकार से ये एरिया पूरा सैनिक एरिया है, यहाँ पर अंबाला छावनी का मेन एरिया है, और यहाँ पर पहले भी भारत 1965-1971 की लड़ाइयों में अंबाला छावनी का ये एरिया अपनी वीरता को दिखा चुका है। यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान, आला अधिकारी भी तैनात हैं और सैनिक बल भी तैनात है जो कि सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर तैनात किया हुआ है। ये सारे दृश्य हम अपने दर्शकों तक अंबाला छावनी से पहुँचा रहे हैं, और जिस प्रकार से काफ़ी लंबे समय का इंतजार भारत को था, भारत की जनता को था, और अंबाला में जिस प्रकार से इनकी लैंडिंग करवाई गई, हरियाणा का गौरव भी इससे बढ़ा है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़।